बेटी ने डॉक्टर बन बचपन का सपना साकार कर कराहल का नाम किया रोशन। खबर कराहल से है, जहां शिक्षक कृष्णकांत पाठक जी की बिटिया तेजस्विनी पाठक ने मेडिकल बोर्ड की नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर शहडोल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। बेटी की सफलता पर पूरे कराहल ब्लॉक में खुशी की लहर है। सफलता की बधाई देने के लिए लोग लगातार उनके घर आ रहे हैं। तेजस्वी पाठक ने हमसे बात करते हुए बताया कि मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनके अपने देश के लोगों की सेवा करूं। मेरी सफलता के पीछे मेरे दादाजी डॉक्टर वासुदेव पाठक जी का अहम योगदान है। मेरे मम्मी पापा से मुझे कठिन परिश्रम की प्रेरणा लगातार मिलती रही। मैंने घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही सोशल मीडिया के अन्य ट्वीट्स प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर से दूरी बनाकर रखी। इस परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे क्षेत्र के सभी साथियों से मेरा कहना है कि लक्ष्य बनाकर तैयारी करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे सफल होने पर मुझे बधाई देने वाले मेरे सभी सम्मानीय लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम मौजूद हैं हमारी बहन तेजस्विनी पाठक जी के कराहल निवास पर, जिन्होंने हमारी कराहल का नाम पूरे मध्य प्रदेश में रोशन किया, हमारे कराहल का मान बढ़ाया। अभी 2023 में जो नीट की परीक्षा हुई थी मेडिकल में, उसमें उन्होंने अपना चयन इनका चयन हुआ है और इन्हें शहडोल मेडिकल कॉलेज मिला है। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो तेजस्विनी जी। धन्यवाद। आपने कब से ये तैयारियाँ कर रही थी आप इस लाइन के लिए? जी, मैं 8वीं क्लास से शिवपुरी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ, तो यही कहूँगी कि 8वीं क्लास से ही मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहें? जी, मेरे दादाजी श्रीमान डॉक्टर वासुदेव पाठक स्वयं इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यह उनकी इच्छा थी एवं मेरा सपना बन चुका था कि मैं भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दूँ। बड़ी कठिन परीक्षा ये मानी जाती है, काफ़ी कम लोग हैं जो इसमें निकल पाते हैं, क्या तैयारियाँ रही थी आपको इसको लेकर? तैयारी में इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए 11th 12th पाठ्यक्रम की पुस्तकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं एवं कंसिस्टेंट रहकर अगर पढ़ाई की जाए तो इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाला जा सकता है। क्षेत्र में और भी छात्र छात्राएं हैं जो इसकी तैयारियां कर रही हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं उन्हें आप इस अपनी काबिलियत के पर? जी, संदेश यही है कि कभी हार ना माने, बार बार प्रयास किया जाएगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी बेटी ने नीट में सिलेक्ट होकर इस कराहल क्षेत्र का मान तो बढ़ाया ही है, साथ में आप क्या महसूस कर रहे हैं इस उपलब्धि पर उनकी? वास्तव में एक नीट परीक्षा एक ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा है और इसमें सफलता मिलना बाहर निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा रही है कि आज बेटी का सपना पूरा हुआ है और वास्तव में इस परीक्षा को क्वालिफाई करके और उसमें दाखिला मिला है, तो इससे बड़ी माँ बाप के लिए और विशेष उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसा कि आपके पिताजी का विशेष सहयोग रहा, क्या कहना चाहते हो आप? जी, वैसे हमारे पापा जी का विशेष सपना था कि बेटी हमारी पढ़ के आगे डॉक्टर बने और हमारे पूरे गांव का और क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। आज उनका ये सपना पूरा। आप अपनी तरफ से क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा जहाँ तक है मत है कि अगर कोई भी बेटा बेटी अगर लगन से और पूर्ण मन से अगर तैयारी करें तो ये परीक्षा निकालना कोई विशेष बात नहीं है, मेहनत करेगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी।